हेलो एवरीवन, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है वो चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, और मैंने कहा ही था कि ये चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर जो है वो डिटरमाइंड होते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू, और इनमें से जो है एक है आपका टेम्परेचर और दूसरा क्या है प्रेशर। तो हम लोग अभी जो भी कुछ भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर था, कि चेंज अगर टेम्परेचर में चेंजिंग होते हैं तो बॉडी जो है वो अपना स्टेट किस तरह से जो है चेंज करता है, हीट करने पे क्या होगा या कूल डाउन करने पर में वो किस तरह से अपना स्टेट चेंज करेगा। स्टूडेंट, अब जो है उसी के कुछ एक पार्ट जो बचे हुए थे उन सबको हम लोग जान लें। हम लोग हीट को अगर जानते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, एक सेंसनल हीट होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो लेटेंट हीट होते हैं। एक सेंसनल हीट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, लेटेंट हीट। जब कभी हम लोगों ने स्टेट चेंज किया था तो जैसे हम लोगों ने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, कुछ मेल्टिंग पॉइंट आए हैं, तो वो जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें कुछ इंक्रीज जो इंक्रीमेंट होता है वो हमको दिखता है, विजुलाइज होता है। तो सच टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ हीट है ना, दैट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर, समझे ना, जो क्या करता है कि वो आपको चेंज इन टेम्परेचर कॉज करता है। यानी वो अगर हम बॉडी को हीट कर रहे हैं तो जब कभी भी हम इस हीट को मेजर करना चाहेंगे, टेम्परेचर को मेजर करना चाहेंगे, तो टेम्परेचर में कुछ इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीजमेंट हुआ तो ये कैलकुलेटेड संभव हैं। लेकिन कुछ एक केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक टोटल पार्टिकल, जैसे कि अगर टोटल पार्टिकल आपके सॉलिड हैं और वो कंटिन्यूसली कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही थर्मोमीटर में शो होगा। शुरुआती दौर में तो ये टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा अगर हम कंटिन्यूसली उसे हीट कर रहे हैं तो। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि उस टेम्परेचर के बाद आपको, हम कंटिन्यूसली हीट तो देते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर या थर्मोमीटर में जो है हमको किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन शो नहीं हो रहा है, ना तो वो उस पॉइंट से आगे बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो आखिर क्या ऐसा हो रहा है जिस कारण से वो टेम्परेचर जो है हमको विजुलाइज हीट के रूप में, हीट जो है वो टेम्परेचर के रूप में आपको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें बहुत सारे आइस क्यूब्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, आइस क्यूब्स हैं, और इसमें हमने क्या किया है, एक थर्मोमीटर को डिप कर रखा है। थर्मोमीटर को क्या कर रखा, डीप कर रखा, और इसको जो है हम लोग हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने पर क्या होगा कि पहले तो कंटेनर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो है आपको ये आइस को ट्रांसफर करेगा, आइस मेल्टडाउन होना शुरू होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये जो हमने आइस लाया वो कहीं किसी डीप फ्रीजर से लाया होगा, वहाँ उसका टेम्परेचर -10 डिग्री है या -15 हो, -25 हो, तो ये हीट जो है जब हम उस बॉडी को हीट कर रहे हैं या वो जब हीट को गेन कर रहा है तो वो स्टार्ट होगा अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना, -10 से -5 आएगा, -3, -2, -1, इस तरह से होते हुए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, सपोज करो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तो ये पहुँच गया, ठीक है। लेकिन अब जब हम कंटिन्यूसली हीट करते जा रहे हैं तो अभी तक पूरा का पूरा आइस क्यूब जो है वो मेल्टडाउन नहीं हुआ है, अभी तक पूरा का पूरा आइस क्यूब मेल्टडाउन नहीं हुआ है। ये नीचे का पार्ट हम देख रहे हैं कि ये लिक्विड होते जा रहा है और आइस जो है उसके ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब इसके बाद टेम्परेचर जो है गौर करेंगे तो देखेंगे कि ये टेम्परेचर ऊपर की ओर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो बात क्या हुई, वजह क्या हुई कि हम तो कंटिन्यूसली हीट देते जा रहे हैं लेकिन अब जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है।
तो एक्चुअली में ये जो हीट है वो इन्हीं पार्टिकल के अंदर एक हिडन एनर्जी के रूप में क्या है, स्टोरेज है। जैसे इनसे क्या होता है कि हीट तो ये कंटिन्यूसली ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन होता क्या है कि ये पार्टिकल्स यहाँ से हीट तो ले रहे हैं लेकिन इनको ट्रांसफ़र करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। और जब तक कम्प्लीटली टोटल आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, अब इस मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये रेज करना बंद कर देगा। जैसे ही टोटल आइस क्यूब जो हैं वो आपको वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये हीट जो है वो वाटर से या लिक्विड से जो है क्या होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्सन शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक टोटल आइस क्यूब लिक्विड में नहीं आ जा रहे हैं, तब तक इस टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आता है। तो बाकी के हीट क्या हुए, वो इन्हीं पार्टिकल के बीच में हिडन यानी छुपे हुए रहते हैं। इसीलिए इस हीट को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। यानी अगर बॉडी के स्टेट चेंजिंग में, अगर उसके टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है तो वो हीट कहलाता है सेंसेशनल हीट। और अगर बॉडी के स्टेट चेंजिंग में कंटिन्यूसली जो हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे केस में अगर उसके टेम्परेचर में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आ रहा है, कांस्टेंट हो गया, तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट कहेंगे। क्या कहेंगे, लैटेंट हीट। अब हमारे पास दो टॉपिक आ जाते हैं यहाँ से, क्योंकि स्टेट चेंजिंग में जो है आपको सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से हमारा क्या होगा, गैस होगा। तो यहाँ गौर करेंगे कि पहला टर्म आता है हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहला हम लोग गौर करें कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, कि अभी जो ये आइस था ये तो सॉलिड था, अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना ये तो मेल्टिंग कहलाता है या फ्यूज़न कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूज़न कहलाता है, बाई हीटिंग। ठीक है, अब लैटेंट हीट क्या हो जाएगा, तो द हिडन हीट है ना, प्रेजेंट इन द सबस्टांस है ना, और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द होल अमाउंट ऑफ सॉलिड इनटू या टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या कहलाएगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। कि जितने भी ये सॉलिड सबस्टांस हैं या आइस हैं, क्यूब्स हैं, इनको टोटली ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो हमको अमाउंट ऑफ हीट चाहिए है ना। लेकिन एक चीज़ और गौर करने की, इसमें जो है इसके टेम्परेचर में किसी भी तरह की चेंजिंग ना हो। इनिशियली जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस मेल्टिंग पॉइंट के बाद या उस फ्यूजन पॉइंट के बाद जो है आपको जो है टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंजिंग ना हो, यही हमारा क्या कहलाता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट आता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस केस को भी गौर करें, हम लोग डेली लाइफ में बहुतों बार इसको फील किए हैं, देखे हैं। वेपर जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, हम लोग गौर करते होंगे कि बॉयल वाटर से उतना ज़िवरेंस कॉज नहीं होता, बर्निंग कॉज नहीं होता है, लेकिन वेपर जो होता है वो आपको है ना एक्सट्रीम बर्निंग शो करते हैं। कि आप जो देखते होंगे कि अगर कभी गलती से वेपर हमारे हैंड में जो है वो क्या हुआ, टच हुआ, तो हमारा हाथ क्या कर जाता है, बर्न कर जाता है। कभी ऐसे ही घर में, किचन वगैरह में हम लोग क्या करते हैं कि ढक्कन वगैरह हटाने के लिए गए और अचानक से जो है हैंड जो है वो इंजर्ड हो जाता है थ्रू द वेपर। हमने कंटेनर को हटाया लेकिन उसने हमको इंजर्ड नहीं किया, लेकिन ये वेपर क्या किया, इंजर्ड कर दिया। तो अब इस केस में क्या है कि जब हम बॉइलिंग करते हैं तो इस स्टेट में क्या होता है कि सबस्टांस लिक्विड से किस में कन्वर्ट होते रहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जैसे ही ये वेपर में होंगे, तो जब तक टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है टोटली कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, तो वो टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज सो नहीं करेंगे। जैसे ही वो कम्प्लीटली आपको क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए,
तो वो कंटेनर के अंदर बचेगा नहीं, तो उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, निश्चित है टेम्परेचर डिफरेंस शुरू हो जाएगा। लेकिन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ लिक्विड टू द गैसियस एट द बॉइलिंग पॉइंट, एट द बॉइलिंग पॉइंट विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर, विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, सो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा सेंसनल एंड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ें कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये सब जो भी चेंजेस थे है ना कि आपको वो किस कारण से थे, तो चेंज इन टेम्परेचर के कारण थे। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। हम लोग गौर करते होंगे कि हमारे डेली लाइफ में जो है हमारे घरों में यूज होने वाले एलपीजी हैं या सीएनजी हैं है ना, इसके अलावा जो होता है वो आपको लाइटर वगैरह जो होता है उसमें भी हम लोग देखते होंगे कि हम लोगों को विजुअलाइज या फील होता है सिलेंडर को ही। हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर को अगर हिलाते डुलाते हैं तो उस केस में जो है हम लोगों को पता चलता है कि इनसाइड जो है वो क्या है, लिक्विड फिलअप है। लेकिन जब कभी भी हम इस पर से प्रेशर क्या करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। तो होता क्या है, तो जिस तरह से टेम्परेचर में बढ़ने से जो है उसका स्टेट चेंज हो रहा था, या फिर जिस तरह से हम बॉडी से टेम्परेचर क्या करते थे निकाल ले रहे थे, तो उस केस में भी उसके स्टेट चेंज हो रहे थे। उसी तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम लोग गैस को अगर कंप्रेस करें, लेकिन जब कभी भी कंप्रेशन होगा तो ऐसे केस में टेम्परेचर को हम लोगों को क्या करना होगा, लो करना होगा। हम लोग जानते हैं कि गैसियस पार्टिकल जो होते हैं हाईली काइनेटिक एनर्जी गेन किए होते हैं, इनके बॉडी में मोशन भी बहुत स्पीड में होते हैं। जब इनको कंप्रेस करेंगे तो इसके इंटायर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो एक दूसरे के नियर अबाउट आएगा, नियर अबाउट आएगा तो कोलिजन अच्छे होंगे, कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो निश्चित है हीट क्या होगा, जनरेट हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं और इन्हें कंप्रेस करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, कंप्रेस करना शुरू किए। आप मान लो कि इसी कंटेनर में हम लोग एक कंप्रेशर के थ्रू जो है कंप्रेस कर लिए, किसको, तो गैसियस पार्टिकल को। जैसे जैसे हम इसको कंप्रेस करते जाएंगे ये इंटायर पार्टिकल जो है नियर अबाउट आते जाएगा, ठीक है। और ये लाइन अगर हम यहाँ से हटा करके यानी कंप्रेशन को इंक्रीज करते हैं, यहाँ तक लाते हैं, तो ये सब जो पार्टिकल है अब इनकी डेंसिटी क्या होते जाएगी, बढ़ती चली जाएगी और पार्टिकल्स थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड होने शुरू हो जाएंगे, यानी आपको इनके स्टेट चेंज होने शुरू हो गए। तो गैस से हम लिक्विड में ला सकते हैं, लिक्विड से हम किस में ला सकते हैं, सॉलिड में भी ला सकते हैं, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्ट भी गैस टू क्या कर लेते हैं, सॉलिड ला। अब इसमें केस में हम क्या कहें, तो एक है ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं उसको अगर हम लोग क्या करें कि हाईली कंप्रेस कर दें एट लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पे, तो उस केस में वो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाता है। हम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो हीरोइन के चारों ओर जो है वो धुआं जैसा जो है निकलते रहता है, कुछ फ्यूम टाइप का, तो यही है कि उनके किनारे किनारे क्या किया जाता है, ड्राई आइस को रख दिया। हाँ, एक है कि आप इसको कभी भी डायरेक्ट टच ना करें, है ना, खासकर नेकेड हैंड से तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये जो है बर्निंग कॉज कर सकते हैं, क्यों, इसके टेम्परेचर बहुत ही लो होते हैं और जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो ये हमारे बॉडी से ये हीट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इवन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो मसल्स हैं उनको भी ये क्या कर लें, या क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें। तो इन सब चीज़ों से बचेंगे हम लोग। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि गैस को अगर हम कंप्रेस करते हैं एट लो टेम्परेचर तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को जो है यहाँ तक तो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सीएनजी, है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर डीओ वगैरह में हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसके अलावा जो हमने कहा कि लाइटर वगैरह है तो उन सबों में होता है। लिक्विड से जो है सॉलिड में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब टफ वर्क है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले नहीं हैं, रेयरली यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम रिमूव कर लें प्रेशर को,
तो सॉलिड से जो है वो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से जो है फिर क्या हो जाएगा, गैस में आ जाएगा। यानी कंडीशंस को हम रिवर्स करते हैं तो हमारे पास जो है वो रिवर्स स्टेट ऑफ मैटर भी क्या हो जाएगा, ईजिली ऑप्टेन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने पढ़ा सेंसेशनल एंड लेटेंट हीट, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, नेक्स्ट में हम लोगों के पास एक टॉपिक रह गया, वो है हमारा क्या, इवापोरेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन। और इन्हीं से कुछ रिलेटेड जो हैं हमारे पास क्वेश्चंस भी होंगे जो हमारे डेली लाइफ में खूब यूज़ होने वाले हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट का जो दो स्टेट ऑफ मैटर मैंने पहले ही कहा था कि वो जब हमारा ये एंड हो जाएगा उस समय हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे तो उसमें ज़्यादातर हमारा क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैस था। ठीक है, तो बाकी का जो दो स्टेट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आज का टॉपिक ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।